हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमिक करियर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टैली ERP 9 का जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन चैप्टर होगा। इसमें हम क्या वर्क करेंगे, गुड्स को स्टॉक करेंगे। गुड्स को स्टॉक मींस क्या हो गया कि जो भी हम डेली नीड्स की चीजें खरीदते हैं, डेली में जो भी आप चीजें खरीदते हो, फ्लोर है, आटा है, राइस है, या जो भी आप चीजें परचेस करते हो जनरल स्टोर से अपने, तो वही आप इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में बनाते हो। उसका बिल इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में ही होता है। उसमें क्या क्या बनता है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले बनेगा स्टॉक ग्रुप, ओके। फिर क्या बनेगा यूनिट ऑफ मेजर्स, फिर आपका वह क्या बनेगा स्टॉक आइटम। ये तीनों चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टॉक ग्रुप, फिर यूनिट्स और फिर स्टॉक आइटम। तो चलिए इसके बारे में आगे डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिले आपका कोर्स पूरा कंटिन्यू आगे मैं आपको कराऊंगी ही। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है, फ्री कोर्स है ये, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो को देखिएगा। स्टॉक ग्रुप, अगर आप इन्वेंट्री में काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ता है। स्टॉक ग्रुप होता क्या है, अब आपको ये मैं क्लियर कर देती हूँ। स्टॉक ग्रुप वो होता है जब आप कोई भी चीज परचेस करते हो, जैसे डेली नीड्स की चीजें आप खरीद रहे हो, तो उसमें आपने क्या खरीदा, फॉर एग्जाम्पल राइस खरीदा, ऑयल खरीदा, या फिर आपने ब्रेड्स खरीदी, या आपने चॉकलेट्स खरीदी, या बिस्किट्स, नमकीन, जो भी चीजें खरीदी वो आपके क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। अब जब इन्वेंट्री में हम टैली में काम करते हैं, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में टैली में, तो हम उसमें दो तरीके से स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट आ गया सिंगल स्टॉक ग्रुप। हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें ऑप्शन आपको दे रखा हुआ क्रिएट, क्रिएट का मीन्स हो गया कि आपको क्या करना है, बनाना है, और डिस्प्ले का मीन्स क्या हो गया कि आपको उसको देखना है, अल्टर का मतलब क्या हो गया, चेंजेस या डिलीट करना है आपको ग्रुप को। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, अगर आप चाहो एक साथ बहुत सारे आपको ग्रुप एक साथ बनाने हैं तो आप मल्टीपल स्टॉक ग्रुप यूज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट आपका यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स में क्या होगा कि आप उसमें भी क्या कर सकते हो, सिंगल क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, अल्टा कर सकते हो, लेकिन इसमें क्रिएट का ऑप्शन सिंगल ही होता है, मल्टी नहीं क्रिएट कर सकते हो। और डिस्प्ले यानी कि अगर आपको जो भी यूनिट बनाया है उसको देखना है तो वो आप देख सकते हो, अल्टा उसमें चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। यूनिट होता क्या है, यूनिट का मीन्स वो हो गया जैसे आपने राइस खरीदा, तो राइस नॉर्मली हम किसमें खरीदें, केजी में, केजी यानी कि किलोग्राम में। अगर आपने ऑयल खरीदा तो ऑयल किसका, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर, तो हम किसमें खरीदेंगे, वो लीटर में, ओके। तो इसी तरीके से हम उसमें यूनिट्स बनाने होते हैं इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ग्रुप बनते हैं, फिर यूनिट बनते हैं, फिर बनते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम भी आप दो तरीके से बना सकते हो, सिंगल स्टॉक आइटम, उसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, अल्टर। मल्टी स्टॉक आइटम्स में भी क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। सिंगल यानी कि सिंगल सिंगल आइटम्स को क्रिएट करना, मल्टीपल यानी कि मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, यानी कि एक साथ सारे स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक आइटम होता क्या है। स्टॉक आइटम वो होता है, सपोज एग्जांपल आपने क्या खरीदा, ऑयल खरीदा, तो ऑयल आपको कैसा चाहिए, राइस ब्रैन ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, किस टाइप का ऑयल चाहिए। अगर आपने सॉल्ट खरीदा तो सॉल्ट आपको टाटा का चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, ओके। तो वही इसका कंपनी एंड किस टाइप का आपको चाहिए वो आपका स्टॉक आइटम्स में आ जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में, जो हम गुड्स खरीदते हैं उसकी लिस्ट में आपको इसलिए क्लियर करा रही हूँ जिससे कि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊँ तो आपको पता होगी क्या क्या चीजें हम खरीदते हैं, किस यूनिट में खरीदते हैं और क्या आइटम्स रहते हैं। क्योंकि अगर मैं वहां पे डायरेक्ट आपको बताऊंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा जो स्टूडेंट्स बिगिनर हैं, ओके। तो स्टॉक आइटम में हमने सबसे पहले आपका बता रखा है सॉल्ट, तो सॉल्ट आपको भी पता है किसमें आता है, केजी में ही आता है, केजी का ही आपको पैकेट मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ओके। तो वही है, आप क्या कर सकते हो उसे केजी में परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टॉक आइटम्स, यहाँ पे स्टॉक आइटम जैसे मैंने बताया टाटा का सॉल्ट हो गया, ऑयल खरीदा तो लीटर हो जाएगा, फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल हो गया, बेसन बेसन किलोग्राम या ग्राम में भी लोग खरीद लेते हैं, जैसे 500 ग्राम उन्हें खरीदना है, 250 ग्राम खरीदना है, जिनका कम यूनिट यूज होती है, तो वो जैसा जैसा लोग खरीदना चाहे वैसा खरीद सकते हैं। इसमें भी टाटा का बेसन आप ले सकते हो,
हेयर कलर में मिलेगा, हेयर कलर हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, ये किसमें मिलते हैं, मिलीलीटर्स में मिलते हैं। अब ये जो हेयर कलर है वो किसका हो गया, गोदरेज का हो गया। दाल, दाल आप किलो में ही खरीदोगे और ग्राम में भी खरीद सकते हो, जैसे जिसकी यूनिट होगी। 500 ग्राम किसी को जरूरत होती है, किसी को 1 किलो 2 किलो दाल चाहिए होती है। तो वही है दाल का आप आइटम क्या हो गया, चने की दाल किस कंपनी की, फॉर्चून की है। नॉर्मली अगर हम दाल खरीद रहे हैं तो वो आप क्या बोलोगे, दाल चाहिए किसकी चाहिए, चने की दाल चाहिए। शैम्पू, शैम्पू आप एमल में खरीदते हो, आप कंपनी क्या होगी, डब का शैम्पू आप लोगे। ओके, अब यहाँ पे चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की यूनिट क्या रहता है, ग्राम रहते हैं, क्योंकि चॉकलेट्स को जो हम खरीदते हैं वो ग्राम में ही हमें होती है। जैसे आपने 10 रुपीज वाली ली, 20 रुपीज वाली ली, तो वो ग्राम की होगी, तो 50 ग्राम होगी, वो 100 ग्राम होगी, इस टाइप से होगी। अब यहाँ पे मैंने कंपनीज का क्या लिखा, 5 स्टार की चॉकलेट ली है। अब आता है सोप। सोप मतलब जो आप सोप यूज करते हो वो आप काउंट में भी कर सकते हो। ओके, ग्राम में भी होता है। अब डिटॉल का यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सोप लिया है। राइस, राइस आप किस में खरीदोगे, केजी में। केजी में खरीदने के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बासमती का राइस खरीदा है, स्टॉक आइटम है। तो यही इसी तरीके से हमें इन्वेंट्री बनानी होती है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखूंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ, डिटॉल। डिटॉल का हमने ओरिजिनल्स ग्राम प्रोटीन्स का बाथिंग का सोप बार खरीदा है, जो कितने ग्राम का है, 75 ग्राम का। अब इसमें बाय हमने कितने पीस किए हैं, 4 पैक किए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम किसी को शॉप पर जाते हैं उनको बताते हैं हमें ग्राम है 75 ग्राम का जी, तो ऐसा तो नहीं बताएंगे हम यह बोलेंगे तो 4 का पैक दे दो, या एक साबुन दे दो, या फिर 1 पैक दे दो, या 4 जो इकट्ठे मिलते हैं वो दे दो। तो वही इसकी जो यूनिट्स हैं वो किस तरीके से हम प्रोवाइड कराएंगे, कि पैक का जो है जो भी डिटेल्स है वो किस तरीके से बनानी है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, वो 2 तरीके के यूनिट्स हो जाएंगे, सिंपल और कंपाउंड। ओके, तो वो चीजें हम अलग से आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट का आपको अलग से चीजें क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप आटा खरीदते हो, तो आटा आप किलोग्राम में भी खरीदते हो, और कुछ जैसे गेहूं खरीदते हो, वीट खरीदते हो, तो वो टन में भी खरीदते हो, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे। यूनिट्स के भी टाइप होते हैं तो वो आपको आगे बताएंगे, अभी सिर्फ हमको आपको इन्वेंट्री क्रिएट करना बता रहे सिंपल वे में। ये आपका क्लियर है। आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कॉन्टेक्ट अस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक है, तो वहाँ पे आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा। और ये कोर्स तो चल ही रहा है, अब नेक्स्ट हम कोर्स ओ लेवल का लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।